हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। पति सूबे की सरकार में कैबिनेट मंत्री और मैडम खुद शहर की प्रथम नागरिक, तो कैसा कायदा और कैसा कानून। जिधर से भी मैडम साहिबा निकले दुनिया रास्ता दे, आखिरकार खुद उनके कद और पद की गवाही देती है। इलाहाबाद मेयर अभिलाषा गुप्ता ने मोटर व्हीकल अधिनियम की धज्जियां उड़ा डाली और बिना नंबर प्लेट की कार से इलाहाबाद से राजधानी का सफर कर डाला। जितना बड़ा कद उतने पौने नियम, और पद इतना बड़ा तो बाकी सब पैरों तले दिखेगा, चाहे वो नियम हो या कानून। ये हाल है इलाहाबाद शहर की प्रथम नागरिक अभिलाषा गुप्ता नंदी का। मेयर काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए महापौर राजधानी पहुंची थी। चमचमाती हुई बिना नंबर की लंबी सी सफेद कार में पंजीयन नंबर के स्थान पर केवल महापौर अंकित था। अब इतना बड़ा पद और कद कार पर लिखा है तो किसकी मजाल जो मैडम की कार के सामने हाथ भी दे। वैसे भी महापौर, साथ में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की अर्धांगिनी, तो फिर किसी की क्या मजाल जो गाड़ी रोक ले। और खुद भी तो यही कह रही है, कोई भी रोक लेता। यानी पद की अकड़ के सहारे नियमों को ठेंगा दिखाते हुए मैडम की कार हाईवे पर दौड़ी। मैम, ये गाड़ी बाहर खड़ी है और इसमें महापौर इलाहाबाद लिखा है, नंबर नहीं लिखा है। अभी क्या दो दिन पहले गाड़ी आई है भैया, अभी दो दिन में नंबर नहीं मिल जाता है। नहीं, नंबर नहीं मिल जाता तो क्या महापौर लिखाने से क्या कुछ है? महापौर लिखाने से कुछ नहीं है, वो चलती है, लोग जगह जगह रोक लेते हैं बिना नंबर की गाड़ियों को। जब पत्रकारों ने मैडम से गाड़ी पर नंबर न होने की बात पूछी तो इधर उधर की बातें करने लगी। बोली, गाड़ी दो दिन पहले आई है, यानी नंबर नहीं आया, लेकिन महापौर का टैग जरूर लग गया। मोदी सरकार ने भले ही नेताओं के वीआईपी कल्चर पर रोक लगा दी हो, कोई भी नेता अब लाल बत्ती की गाड़ी या बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में नहीं घूम सकते, लेकिन अभी भी इन लोगों पर असर नहीं हो रहा। तभी तो इलाहाबाद से बीजेपी के मेयर अभिलाषा गुप्ता बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में ही घूम रही हैं, और इतना ही नहीं, वो इस गाड़ी से लखनऊ भी पहुंच गई। उनकी गाड़ी पर नंबर प्लेट के स्थान पर महापौर इलाहाबाद लिखा हुआ है और यूपी प्रशासन का चिन्ह लगा हुआ है, जबकि नंबर प्लेट के स्थान पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त चिन्ह या नाम पट्टी का इस्तेमाल गैर कानूनी है। अभिलाषा गुप्ता ने तर्क दिया कि यह गाड़ी उन्होंने नहीं खरीदी बल्कि प्रशासन ने दी है, और प्रशासन ने नंबर प्लेट के लिए आरटीओ में आवेदन भी दिया हुआ है। लेकिन मीडिया ने जब अस्थायी नंबर के बारे में सवाल किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये प्रशासन लिखा के देता है, हम नहीं लिखाते हैं, तो आप नगर आयुक्त से पूछोगे तो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो नगर आयुक्त ने लिखा के दिया है? अब निगम से मिलती है गाड़ी, हम थोड़ी अपने से लेते हैं गाड़ी, निगम से गाड़ी मिलती है भाई साहब। आप नई गाड़ी लेते हो तुरंत नंबर मिलता है क्या? ये निजी वाहन नहीं है आपका, ये सरकारी वाहन है। सरकारी वाहन है तो ये हमें प्रशासन से मिलता है, ना कि हम खरीद के लेते हैं इसको। बता दें आपको, अभिलाषा गुप्ता दूसरी बार इलाहाबाद की मेयर चुनी गई हैं। अभिलाषा के पति नंद गोपाल गुप्ता योगी सरकार में स्टाम्प और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। यह हम स्पष्ट कर दें जो है कि जो नंबर प्लेट है उसमें अनिवार्य रूप से जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका डिस्प्ले होना अनिवार्य है, उसका छूट किसी के लिए नहीं है। अगर इस प्रकरण में अगर इसका अनुपालन नहीं किया गया तो जो प्राविधान है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग दो मुंह बात करते हैं, चाहते तो ये हैं कि सारी वीआईपी सुविधा खुद ले लें, और बातें करते हैं आदर्शवाद की। अगर उनकी गाड़ी नई भी है तो उस पर AF अप्लाइड फॉर लिखा होना चाहिए, महापौर नहीं लिखा होना चाहिए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई कानून कानून नहीं। अब हमारे माननीय क्या संदेश देना चाह रहे हैं वो सामने है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रेडियो से लेकर टीवी तक यातायात नियमों के पालन की नसीहत दे रहे हैं, और उनकी ही अपनी ही पार्टी के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो इससे सुधार क्या होगा ये वही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।